यूके में स्टूडेंट्स जाके स्टडी छोड़ देते हैं, इलीगल हो जाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि उनको इलीगल होने की जरूरत नहीं है। उनके पास यूके गवर्नमेंट ने ही ऐसी प्रोविजंस की हुई हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आप ड्यूरिंग स्टडी भी वर्क परमिट ले सकते हैं। अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्रंच है या आप आगे की फीस नहीं पे कर सकते तो उसके भी रास्ते हैं यूके में जाके। तो आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट्स वहां जाके इलीगल हो जाते हैं, मैं चाहता हूं कि वो इलीगल होने से बचे और अपना एक सही करियर पाथ लेके चले। वो रास्ते क्या हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। यूके में जो स्टूडेंट स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट है, प्लस टू वाले, वो बैचलर करने जाते हैं 3 ईयर्स की, वो ड्यूरिंग स्टडी ही अपना BRP पहले कार्ड लेते हैं, उसके बाद ड्यूरिंग स्टडी ही इलीगल हो जाते हैं। यानी कि वो यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट्स नहीं करते, वो अपना कोर्स नहीं करते। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जाते ही BRP कार्ड लेना आपके लिए मैंडेटरी है। BRP कार्ड आपको तब तक बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट होता है, वो आपको तब तक मिलता है जब तक आपकी स्टडी है। मान लीजिए आपकी 3 ईयर की बैचलर है तो 3 ईयर का आपको BRP कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में रेगुलर नहीं जाएंगे, उनकी जो करिकुलम है उसको नहीं फॉलो करते, तो आपको यूनिवर्सिटी आप एम्बेसी को लिख देती है कि ये बच्चा हमारे अनरोल नहीं है, तो वो एम्बेसी को भेज देती है। तो उसके बाद एम्बेसी के पास राइट होता है कि वो आपका BRP कार्ड कैंसिल भी कर देती है। तो सबसे पहले BRP कार्ड लेना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपके पास BRP कार्ड है तो आपके पास रस्ते हैं। तो यूके में आपके पास प्रोविजंस क्या हैं? प्रोविजंस ये हैं कि यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये आपको प्रोविजंस दी हुई हैं कि अगर आप स्टडी पूरी नहीं भी करते तो भी आप वर्क परमिट पे जा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप स्टडी डिसकंटिन्यू करिए। स्टडी है, मान लीजिए आपने 6 मंथ की फीस दी हुई है, आप 6 मंथ की फीस के अंदर ही आप एक शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं होम केयर वर्कर का, और ऐसे बहुत सारे और भी कोर्सेज है, कुकरी का है, कुछ IT से रिलेटेड भी हैं, जिनमें आपको अगर आप वर्क परमिट ले लेते हैं तो आप उसके बाद डायरेक्टली वर्क परमिट के बाद आप लॉन्ग स्टे भी कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो होम केयर वर्कर मैं स्पेशली एम्फोसिस करता हूँ कि उसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, और इसका कोर्स भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप सिर्फ एक ऑनलाइन शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स, उसके बाद आप होम केयर का वर्क परमिट लेके आप उस होम केयर वर्कर के वर्क परमिट पे ही आप 5 ईयर्स तक रहने के बाद वहाँ पर ILR फाइल कर सकते हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन UK, जो कि PR होती है। तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसपे आप ये कर सकते हैं। आपको जरूरत है एक बार आप वहाँ पर जॉब बैंक्स में जाइए या जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाइए, उनको बताइए। इलीगल होना कोई रास्ता नहीं है, और मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को ये जरूर कहना चाहता हूँ, वो जो वहाँ लोग गए हुए हैं वो उनकी बात मान के इलीगल हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल मत करिए। देखिए, आपकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास बाद में कोई भी लॉन्ग प्रोविजंस नहीं रहती। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में पछताते भी हैं। एक वो ये होता है कि ठीक है, मानता हूँ कि फाइनेंशियल क्रंच होता है कि आपके पास 1 ईयर की फ़ीस देने के बाद आगे की फ़ीस नहीं, तो आप 1 ईयर के ड्यूरिंग ही अपनी स्टडी 1 साल करके उसके बाद उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बाद में भी स्टडी रीज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास अभी पैसे नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको जो मैंने रास्ता बताया कि आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कराने के बाद आप 1 साल के स्टडी के बाद भी यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन ले सकते हैं। उसके बाद 1 साल आप वर्क करने के बाद फिर से स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर बैचलर करते हैं UK की बैचलर, तो उस बैचलर के बाद आपका जो वेज रेट है वो भी काफ़ी हाई लगेगा। तो बैचलर या मास्टर वाले स्टूडेंट अगर आप UK की एजुकेशन लेते हैं तो उसकी अलग से वैल्यू है और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि एजुकेशन में अगर आप गूगल करते हैं तो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी UK और USA की निकलती हैं। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है UK में। तो आप अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप बीच में वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं। ये सारी प्रोविजंस आपके पास अवेलेबल है। सिर्फ ये है कि स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती, स्टूडेंट्स गलत डिसीजन ले लेते, वो जाते वहाँ जाके इलीगल हो लेते। पहले तो BRP कार्ड लेने के बिना आपको पहला स्टेप ही आपका ये होना चाहिए कि आप वहाँ जाके BRP कार्ड लें, उसके बाद आप अपनी वर्क परमिट की वो देखिए कि आप कौन सा कोर्स ऐसा करके जिससे आपको वर्क परमिट मिल सकता है। तो आप 1 साल की स्टडी के बाद ब्रेक लेके वर्क परमिट भी ले सकते हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटीज आपको अलाउ करते हैं। सिर्फ ज़रूरत होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको राइट नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में स्पेशली सबको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मैं बनाता रहता हूँ ताकि स्टूडेंट्स अवेयर रहें, अपडेटेड रहें और सही लाइफ में सही डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज, फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर ऑफर्स एंड न्यू अपडेट्स।